चंदौसी तहसील परिसर में अखिल भारतीय युवा उद्योग मंडल के नगर अध्यक्ष अनुज वार्षणी अनु के नेतृत्व में युवा व्यापारियों ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत बिजली, पानी, सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था के संदर्भ में उपजिलाधिकारी चंदौसी रामकेश धामा को ज्ञापन सौंपा। मार्च माह में होली और शब्बे बारात जैसे महत्वपूर्ण त्योहार है जिनको सौहार्दपूर्ण सम्पन्न करने में बिजली, पानी और सफाई की आवश्यकता होती है। बिजली और पेयजल की कटौती मुक्त पूर्ति की जाए और नगर में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए जगह जगह लगे कूड़े के ढेरों को हटवाया जाए और प्रातःकाल में कूड़ा उठवाने की रणनीति बनाई जाए, क्योंकि प्रायः दोपहर तक सड़कों पर कूड़ा देखने को मिलता है। इसके साथ साथ सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस बल मुख्य बाजारों और चौराहों पर तैनात किया जाए। नगर अध्यक्ष अनुज वार्षणेय अनु ने कहा कि नगर में 3 मार्च को रंग एकादशी का जुलूस निकाला जाएगा, जो कि 114 साल से प्रतिवर्ष आयोजित होता है। उसके तहत नगर की सड़कों पर बने मैनहोल जो कि टूटे पड़े हैं, उनकी मरम्मत कराकर बंद कराए जाएं। प्रदेश मंत्री शाहाल मंसूरी ने कहा कि नगर में सड़कों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। जल निगम ने पिछले 3 वर्षों में सड़कों को पुनर्तक गड्ढा में बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। नगर प्रत्येक सड़क खस्ताहाल है, जिससे नगरवासियों का सड़क पर निकलना दूभर हो गया है। जल निगम ठेकेदार प्राय पाइपलाइन की टेस्टिंग में हजारों लाखों लीटर पानी का दोहन कर रहे हैं, जिससे सड़कों पर जल भराव और कीचड़ देखने को मिलती है। जल्द से जल्द इस समस्या से निजात के लिए उचित प्रशासनिक कार्यवाही की जानी चाहिए। नगर महामंत्री शुभम अग्रवाल ने कहा, नगर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त की जाए। जहां जहां होली का जुलूस निकले वहां पर पानी का छिड़काव कराया जाए। इस दौरान प्रदेश मंत्री शाहाल मंसूरी, नगर अध्यक्ष अनुज वार्षणेय अन्नू, अतुल कश्यप, अनूप ठाकुर, विक्की रस्तोगी, प्रियांशु वार्षणेय, निशांत शर्मा आदि रहे।